एक्शन फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। धाँ धाँ। अगर 10 में से आपको रेटिंग देना पड़े फिल्म को तो आप कितना देंगे? 2 दूंगा। इस फिल्म में ना केवल तबू जी बट एक्टर्स जितने भी हैं सब काफ़ी अच्छे हैं अपने अपने तौर पर, बट इस फिल्म में जिस टाइप से उन एक्टर्स से काम करवाया गया है वो बहुत वीक है। अच्छी थी और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, बस इतना ही कहूँगा। बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया। आई थिंक अर्जुन कपूर की करियर का बेस्ट रोल है तो मुझे अच्छी लगी अगर सच कहे तो। या स्टोरी भी अच्छी थी। पहला हाफ जो फर्स्ट हाफ था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा लगा, लेकिन सेकंड हाफ में या इट वाज गुड, रियली गुड। फिल्म में तब्बू जी का भी काफ़ी दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है, ऐसी खबरें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप तब्बू जी के? जी जी बिल्कुल, एक्शन मोड में दिखी तब्बू जी और थोड़ा अलग देखने को मिला इस फिल्म में। मतलब पुलिस ऑफिसर कॉप का रोल उन्होंने प्ले किया है, तो या इट वॉज गुड। यार नाम क्यों रखा है कुत्ते समझ में नहीं आ रहा है, और अर्जुन कपूर सब भाई सभी आर्टिस्ट की एक्टिंग एकदम बकवास है, एकदम घटिया फिल्म हमने बहुत दिन के बाद देखी है। स्टोरी में दम नहीं है, कुछ डायरेक्शन में दम नहीं है, सिर्फ गालियाँ है और बस यही है, गालियाँ है और कुछ नहीं है पिक्चर में, कुछ गोली चलती है बस, कुछ स्टोरी कुछ भी नहीं है, लोगों का पैसा वेस्ट है, एकदम बोरिंग पिक्चर है। फिल्म बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, जितना मैं एक्सपेक्ट कर आया था कि विशाल भारद्वाज और रेखा जी के पुत्र हैं आसमान भारद्वाज, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर आया था। ट्रेलर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, पर जितना हाइप मैंने अपने आप के लिए क्रिएट किया था इस फिल्म को देखने के लिए अपने मन में, बट उतनी ही डिसअपॉइंटिंग लगी। फिल्म बढ़िया है, अर्जुन कपूर ने ऐसे रोल्स करने चाहिए और भी, अर्जुन कपूर एक अच्छा एक्टर है, बस उनको ऐसे ही कुछ स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत थी शायद, जो उनको एक एक्टर एज अ एक्टर एस्टेब्लिश करें ना कि स्टार। सभी की एक्टिंग अच्छी है, राधिका मदान है, फिर शार्दुल है जो इबाब लेले ऊ में थे, और नसीर साहब है और कुमुद मिश्रा है, बहुत अच्छा, सभी का काम अच्छा है। जो रिटर्न मटेरियल है उसको वो लोग ने पूरा जस्टिफाई किया है। बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया। आई थिंक अर्जुन कपूर की करियर का बेस्ट रोल है। पहले मुझे एक विलन रिटर्न्स में वो बहुत पसंद आया और लोग उनको ट्रोल करते हैं, बट ही इज़ अनडेटेड बाय क्रिटिसिज्म, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। तो कहाँ एक विलन रिटर्न्स में वो यहाँ थे, अभी वो यहाँ आ गए। मतलब मुझे लगता है कि गुलजार, विशाल भारद्वाज, टब्बू, कोंकणा सेन शर्मा, ये जहाँ भी एक साथ आ जाए तो कुछ करिश्मा होगा, और आज करिश्मा हो गया। मतलब 2023 की सबसे बेहतरीन मूवी, 2023 की बेस्ट मूवी, मतलब देख के 2 घंटे से भी कम की मूवी है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे बीत गया। यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी ऑस्ट्रक, यू विल बी स्पीचलेस। आई थिंक इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक एफर्ट, यू नो। बढ़िया मूवी है, अच्छी मूवी है, एक्शन से भरपूर। एक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्शन? तो एक नंबर है मेरे मतलब का, एक्शन फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। धाँ धाँ। वो मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें धैर्य होता है। फिल्म में और भी एक्टर्स हैं, तब्बू जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, और भी कोंकणा सेन हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे? सब मंझे में कलाकार हैं, सबने बड़े डायरेक्टर साहब ने जिसको जितना काम दिया उन्होंने उतना काम किया, और जितना भी काम दिया सबने बढ़िया ही काम किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।